हेलो स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हम लोगों ने बुद्धि के बारे में पढ़ने का प्रयास किया था और मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक के ऊपर यानी कि ये टॉपिक कम्प्लीटली जो है मैं आपका पूरा करवाऊंगी। तो इस श्रृंखला में हमने जो पहली क्लास लगाई थी बुद्धि से रिलेटेड अर्थात इंटेलिजेंस से रिलेटेड, उसमें हमने विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रदत्त बुद्धि की परिभाषाओं को देखने का प्रयास किया था। वीडियो के एंड में यानी कि वीडियो ख़त्म होने के साथ ही उससे पहले जस्ट पहले मैंने आपको ये बात कही थी कि हम जब भी अगली कक्षा उस विषय के ऊपर लेंगे यानी कि उस टॉपिक के ऊपर लेंगे, उस क्लास को स्टार्ट होने से पहले हम लोग जो परिभाषाओं के ऊपर अपनी कक्षा को पूर्ण कर चुके हैं उसके ऊपर कुछ प्रश्न और उत्तर भी करने का प्रयास करेंगे, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका जो ये प्रयास है बाल विकास के अंतर्गत या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो इंटेलिजेंस वाला टॉपिक है अर्थात बुद्धि वाला जो टॉपिक है वो आपका हर एक लेवल पे कंप्लीट होता रहे, किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, किसी भी तरीके की कोई छूटने की गुंजाइश नहीं हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारा टॉपिक होता चलेगा हम लोग साइमल्टेनियसली जो है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम लोग पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में परिभाषाओं के ऊपर जो है मैं प्रश्न और उत्तर लूंगी और मैं आपको बता दूं ये प्रश्न जो है वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि ये प्रश्न उन्हीं कंटेंट में से बनाए गए हैं जो आपकी पिछली कक्षा में या पिछले वीडियो में जो है मैंने लिया था, कहीं भी बाहर से कोई कंटेंट नहीं है। अब आप देख लीजिए एक वीडियो जो आपने शायद पौन घंटा या एक घंटे का जो देखा था उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इनको आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कॉपी में इसको लिखने का प्रयास कीजिए। तो हम जो है वो क्वेश्चंस पे चलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उनके क्या ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस में से हम अपने क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, आज हम पूरे तरीके से इस पर विचार करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो इस श्रृंखला में हम लोग जो है वो नंबर वाइज क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे। तो पहले नंबर का क्वेश्चन लेती हूं मैं, नंबर वन, जहां पर प्रकृति अपनी मूल प्रवृत्तियों के द्वारा वातावरण की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ होती है, वहां डैश 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 का विकास होता है। ये हमारा पहले नंबर का प्रश्न है। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है, ए है बुद्धि, बी है बुद्धि का स्वरूप, सी है क्रियाशील बुद्धि और डी है बुद्धि तत्व। ये हमारे सामने जो है वो पहला क्वेश्चन हमारा आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
जहाँ पर प्रकृति अपनी मूल प्रवृत्तियों के द्वारा वातावरण की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ होती है, वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा का विकास होता है, अर्थात किसका विकास होता है। तो पहला जो ऑप्शन आया है, हम कह रहे हैं बुद्धि, ठीक है, हमने कहा बुद्धि, ठीक है, बुद्धि का विकास हो सकता है, संभव है। बी ऑप्शन कह रहे हैं बुद्धि का स्वरूप, ठीक है, ये ऑप्शन भी जो है करेक्ट हो सकता है। सी ऑप्शन आ रहा है क्रियाशील बुद्धि, यस, जो हमारी बुद्धि है वो क्या है, एक्टिव इंटेलिजेंस वहां पे वर्क कर रहा है। और डी हमारा है बुद्धि तत्व। तो जब हम बुद्धि तत्व की बात करते हैं, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस, जब हम इंटेलिजेंस के एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो ये जो हमारा एलिमेंट है, इस एलिमेंट का पार्ट ये भी है, इस एलिमेंट का पार्ट ये भी है, और इसी एलिमेंट का हमारा कंप्लीट पार्ट क्या है, इंटेलिजेंस भी है। तो जहाँ पर प्रकृति अपनी मूल प्रवृत्तियों के द्वारा वातावरण की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ होती है, अगर आपको ध्यान हो तो ये एक परिभाषा है। परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, ये एक परिभाषा है किसके द्वारा दी गई थी, मैकडूगल के द्वारा, ठीक है, मैकडूगल के द्वारा दी गई, बुद्धि के लिए दी गई ये एक परिभाषा है कि जहां पर प्रकृति अपनी मूल प्रवृत्तियों के द्वारा असमर्थ हो जाती है, जो उसका कोर है, जो कोर क्रियाकलाप है, यानी कि जो बेसिक कार्यक्रम है, जब वहां पे उस जगह पे प्रकृति जो है किसी भी एक समस्या को सुलझाने में असमर्थ होती है, यानी कि वो उस समस्या को सुलझा नहीं पाती है, वहां पे जिस चीज का विकास होता है, जिस एलिमेंट का विकास होता है या जिस तत्व का विकास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बुद्धि तत्व के नाम से जानते हैं, जिसका ये सब क्या है, पार्ट है। अगर कायदे से आप देखें तो ऐसा नहीं है, ये भी करेक्ट था, मैंने आपको बोला बुद्धि का स्वरूप भी करेक्ट है, क्रियाशील बुद्धि भी करेक्ट है, लेकिन ये सभी ऑप्शन जो है, अगर यहाँ पे बुद्धि तत्व की जगह आता, इनमें से सभी सत्य हैं, अगर इस तरीके का जो है वो हमारा डी ऑप्शन होता, तो फिर क्या होता, तब भी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होता, क्योंकि ये सभी ऑप्शन क्या होते, करेक्ट होते। लेकिन अभी सभी करेक्ट है, लेकिन इनमें से भी हमें सबसे एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो छांटना है, एप्रोप्रिएट आंसर को देना है। तो एज पर डेफिनेशन गिवन बाय मैकडूगल, अगर हम उनकी डेफिनेशन में जाएं, तो ये प्योरली यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो इस डेफिनेशन को पूरा कौन करता है, बुद्धि तत्व पूरा करता है। पहला पॉइंट तो ये, इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न को अलग अलग तरीके से तोड़ तोड़ के मैं कराने की कोशिश कर रही हूं। पहला पॉइंट जो है, अगर हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से जाएं और मैकडूगल के जो उन्होंने कहा है कथन के अनुसार जाएं, तो कथन के अनुसार तो इसको फुलफिल कौन कर रहा है, बुद्धि तत्व ही कर रहा है। कई जगह ऐसा होता है कि हो सकता है डेफिनेशन आपको याद नहीं रहे, कोई बात नहीं, डेफिनेशन हमें नहीं याद है, अगर हम साधारण से शब्द कोशों के हिसाब से चलते हैं, अगर हम साधारण वक्तव्य के हिसाब से चलते हैं, तो वक्तव्य के अकॉर्डिंग जो है हमें चूज करना है कौन सा करेक्ट है। अब हमने देखा कि यहाँ पे वहां पे बुद्धि का विकास होता है, चलिए ठीक है, बुद्धि भी विकसित हो सकती है, वहां बुद्धि के स्वरूप का भी विकास हो सकता है, क्रियाशील बुद्धि का भी विकास हो सकता है और बुद्धि तत्व का भी विकास होता है, लेकिन हमारे साथ लिमिटेशन है, यानी कि हमारे साथ दुविधा ये है कि इसमें 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 और इसमें, अर्थात इन चारों में किसी एक को ही हमें इस स्थान पे पहुंचाना है, यानी कि ये जो रिक्त स्थान दिया गया है, इस स्थान पे हमें केवल एक को भरना है।
तो वो एक कौन होगा, तो अब हमको इसका एनालिसिस करना होगा। जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो ये केवल केवल और केवल क्या है, इंटेलिजेंस है, जिसको हम लोग कंप्लीटली जो है मूल प्रवृत्तियों के द्वारा अगर हम कहें कि प्रकृति नहीं सुलझा पा रही है तो हमारा जो इंटेलिजेंस है वो उसको सुलझा देगा, नहीं, केवल इंटेलिजेंस उसको नहीं सुलझाता है। इंटेलिजेंस के जो विभिन्न एलिमेंट्स हैं, जो प्रकृति के अनुसार न सुलझाने वाली जो परिस्थिति क्रिएट हुई है, वो एलिमेंट्स उन परिस्थितियों में वर्क करते हैं और वर्क करके इंटेलिजेंस के द्वारा जो है वो समस्याओं का क्या करते हैं, निस्तारण करते हैं। तो हमारा ये जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए सबसे परफेक्ट होगा, क्या होगा, बुद्धि तत्व डेफिनेशन के हिसाब से भी और साधारण लैंग्वेज में भी अगर हम लोग देखें तो ये सही होगा। एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आई हुई थी, जब मैं आपको परिभाषाएं लिखवा रही थी तो मैकडूगल को मैंने वहां पे लिखा था मैकडूगल, ठीक है, मैंने जब परिभाषाएं लिखवाई थी तो मैंने मैकडूगल ये शब्द जो है वो लिखा था, जिसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कि मैम मैकडूगल नहीं होता है, मैकडूगल होता है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये भी सही है, ये भी सही है और मैकडूगल ऐसे हुए लिखा हुआ आता है, ये भी सही है। अगर हम इंग्लिश में जाएं तो इंग्लिश में नेम होता है विलियम मैक डूगल, ठीक है, ये हमारा जो है बेसिकली इंग्लिश नेम है, इंग्लिश में जो है ये नाम दिया गया है, ये स्पेलिंग है विलियम मैक डूगल, ये दिया गया है। लेकिन जब इसका हिंदी रूपांतरण किया गया तो किसी पुस्तक में आपको ये मिलेगा, किसी पुस्तक में आपको ये मिलेगा और किसी पुस्तक में, पुस्तक तो क्या है, अगर आप सर्च करना चाहें गूगल पे तो गूगल पे जो है वो हिंदी के अंदर मैकडूगल लिखा हुआ आता है, नॉट मैकडूगल, मैकडूगल लिखा हुआ आता है। तो ये सभी जो है अलग अलग किताबों में जब इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है तो कई जगहों पे जो है वो शब्दों के मिसमैच देखने को मिलते हैं, बट ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये तीनों के तीनों क्या है, करेक्ट है। तो ये हमारा जो है वो पहला प्रश्न है, जहां पर प्रकृति अपनी मूल प्रवृत्तियों के द्वारा वातावरण की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ होती है, वहां डैश 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 का विकास होता है, ए ऑप्शन बुद्धि, बी ऑप्शन बुद्धि का स्वरूप, सी क्रियाशील बुद्धि और डी क्या है, बुद्धि तत्व, जिसमें से हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, बुद्धि तत्व वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं, टोडर्ड के अनुसार बुद्धि डैश 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 कार्य करने की योग्यता है, ए ऑप्शन है अमूर्त कार्य, बी ऑप्शन है कठिन कार्य, सी ऑप्शन है मितव्ययतापूर्ण कार्य और डी ऑप्शन है इनमें से सभी, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने आया, स्टोडर्ड के अनुसार बुद्धि डैश 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 कार्य करने की योग्यता है, कैसी योग्यता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है अमूर्त कार्य, यानी कि ऐसे कार्य जिनकी कोई हमारे सामने परछाई नहीं है, किसी तरीके से हम उसको देख नहीं सकते, उसके लिए कोई स्ट्रेटजी पहले से निर्धारित नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल अननोन है हमारे लिए, अनभिज्ञ हैं हम उससे,
हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, हम उसको सुन नहीं पा रहे हैं, हम उसको पहले से नहीं समझ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? अमूर्त कार्य हैं। तो स्टोडर्ड ने जो अपनी परिभाषा दी थी उस परिभाषा के अनुसार अगर हम लोग देखें तो अमूर्त कार्य जो है उसका क्या है? भाग है। क्योंकि उनकी जो कंप्लीट परिभाषा है, कंप्लीट परिभाषा क्या थी? बुद्धि उन कार्यों को करने की योग्यता है जिसमें जटिलता, अमूर्तता, सामाजिक मूल्य, मितव्ययिता, अनुकूलता तथा लक्ष्य प्राप्ति की चेष्टा को लेकर अनुकूलतम परिवेश निर्धारित किया जाता है। तो ये जो है उनके स्टोडर्ड की जो है वो क्या है? कंप्लीट परिभाषा थी। तो अगर हम परिभाषा के हिसाब से जाएं तो अमूर्त कार्य बिल्कुल आ रहा है, कठिन कार्य भी उसमें शामिल है, मितव्ययिता पूर्ण कार्य भी उसमें शामिल है, और डी ऑप्शन आ रहा है इनमें से सभी, अर्थात ए, बी और सी, ये सभी चाहिए। तो ये डी ऑप्शन क्या होगा इसमें? करेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर यानी कि स्टोडर्ड के अनुसार बुद्धि अमूर्त कार्य, कठिन कार्य, मितव्ययिता पूर्ण कार्य करने की क्या होती है? योग्यता होती है। तो इसका ये ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पे हम आते हैं। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में कहीं एक जगह जो है वो नोट करते चलिएगा, ताकि फ्यूचर में जो है आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बाल विकास से रिलेटेड, शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड या बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड, तो ये प्रश्न जो है आपको काम करेंगे। मैं एक चीज और बता दूं, गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत बाल विकास वाला जो पार्ट है, काफी बड़ा यूनिट है हमारा बाल विकास का, जितने भी गृह विज्ञान की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो सब भी इसको देखें। विषय के अंदर भी जो है इस तरीके के क्वेश्चंस नेट के अंदर, सीएसआईआर के अंदर भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और जो है स्कूल व्याख्याता ग्रेड सेकेंड, जितने भी होम साइंस से रिलेटेड पीजीटी, टीजीटी, केवीएस वगैरह के अंदर भी ये सारे प्रश्न विषय के अंदर भी आते हैं। ये केवल ऐसा नहीं है कि सपोर्टिव पार्ट आपका जो है वो केवल एजुकेशन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, नहीं, ये आपके विषय के अंदर भी जो है ये सारे सेक्शंस जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो पढ़ाया हुआ कंटेंट है वो भी, और जो प्रश्न करवा रही हूँ मैं, ये प्रश्न भी जो है आपके वहां के लिए भी क्या है? बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है। तो आप इनको जरूर तैयार कीजिए। बहरहाल हम अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक सोच विचार कर सकता है वह उतनी ही बुद्धि रखता है। यह परिभाषा किससे संबंधित है? ए ऑप्शन मैकडूगल से, बी कोल्हर से, सी टर्मन से, और डी वुडवर्थ से। चलिए, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, परिभाषा पे आधारित है। जो व्यक्ति जितना अधिक सोच विचार कर सकता है वह उतनी ही बुद्धि रखता है, यह परिभाषा किसकी है? मैकडूगल की? बिल्कुल भी नहीं है। मैकडूगल की परिभाषा को हमने जो है वो ऊपर देख लिया है।
कोलहर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोलहर की भी ये नहीं है, चर्मन, यस चर्मन की ये परिभाषा है, मैंने आपको जो है वीडियो में पढ़ाया था, तो परिभाषाएं अगर आपको याद है तो आप परिभाषा देखते ही इसका सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं, अन्यथा जो है आप किसी से भी इसको मैच नहीं कर पाएंगे। टर्मन के बारे में मैंने आपको बताया था, उन्होंने जो परिभाषा दी है बुद्धि को लेकर के, उसमें साफ साफ उन्होंने ये बोला था कि जितना अधिक सोच विचार कोई भी व्यक्ति करता है, जितना ज्यादा उसके सोच का दायरा जितना ज्यादा होगा, जितना विचार करने का दायरा होगा, जितना वो समझेगा उसकी बुद्धि उतनी ही अधिक होगी, यानी कि वो उतनी ही अधिक जो है वो बुद्धि अपने पास रखता होगा। तो ये जो है किसका किसकी परिभाषा है, किसके द्वारा प्रदत्त जो है परिभाषा है, तो टर्मन के द्वारा प्रदत्त ये परिभाषा है किसके लिए, बुद्धि के लिए। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, चौथा प्रश्न। बुद्धि वह शक्ति है जिसके सहारे सूझ आ जाती है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है? ए बर्ट के द्वारा, बी स्टोडर्ड के द्वारा, सी वुडवर्थ के द्वारा, और डी इनमें से कोई नहीं। ये हमारा प्रश्न आ गया चौथा प्रश्न, बिल्कुल यूनिक प्रश्न है। यूनिक क्यों है, अभी मैं आपको सॉल्यूशन कराती हूं तो बता दूंगी कि यूनिक ये किस तरीके से है। बुद्धि वह शक्ति है जिसके सहारे सूझ आ जाती है, बिल्कुल एक लाइन की डेफिनेशन है, एक लाइन की डेफिनेशन दी गई है मनोवैज्ञानिक के द्वारा। तो ये जो परिभाषा है या ये जो डेफिनेशन है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? हमारे सामने पहला ऑप्शन है बर्ट के द्वारा। तो बर्ट के द्वारा प्रदत्त जो है हमारी परिभाषा क्या थी, बर्ट के अनुसार बुद्धि जो है किसी भी परिवेश में सापेक्ष रूप से नवीनतम परिस्थितियों में अभियोजित होने वाली एक जन्मजात योग्यता होती है। ये किसने कहा था, बर्ट ने कहा था। तो अगर हम लोग इस डेफिनेशन को देखें तो बर्ट जो है यहां से हट जाते हैं, अर्थात बर्ट की ये डेफिनेशन नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी बर्ट की दूसरी डेफिनेशन है जो मैंने आपको अभी बताई। अब हम आते हैं स्टोडर्ड के द्वारा। तो स्टोडर्ड के डेफिनेशन को भी हम लोग देखते हैं और रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। स्टोडर्ड ने कहा था कि बुद्धि उन कार्यों को करने की योग्यता होती है, बुद्धि उन कार्यों को करने की योग्यता होती है जिसमें कठिनाई, जटिलता, अमूर्तता, सामाजिक मूल्य, मितव्ययता, अनुकूलता तथा लक्ष्य की प्राप्ति की क्या होती है, चेष्टा करने का जो है वो अनुकूलतम परिवेश निर्धारण किया जाता है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा थी, स्टोडर्ड के अनुसार। तो अगर हम लोग देखें तो ऊपर वाली परिभाषा इनके अनुसार भी नहीं रही। नेक्स्ट आते हैं वुडवर्थ के द्वारा ये परिभाषा कही गई है या नहीं। तो वापस आप रिकॉल कीजिए जो मैंने आपको पढ़ाया था, और उसमें आप डेफिनेशन में जाइए कि वुडवर्थ के लिए मैंने आपको किस पॉइंट पे बल दिया था, अर्थात
किस शब्द पे जो है वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुई थी मैं उस टाइम पे, या किस शब्द को आपने उनसे कोरिलेट करके लर्न किया है, यानी कि वुडवर्थ से कोरिलेट करके लर्न किया है। तो अगर हम वुडवर्थ की परिभाषा में जाना चाहें तो वुडवर्थ के अनुसार किसी भी कार्य को, वुडवर्थ के अनुसार किसी भी कार्य को तीन चीजें मैंने आपको बताई थी, अकलमंदी, समझदारी और विवेक से पूर्ण करना क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाती है। तो अगर हम लोग देखें तो वुडवर्थ की भी ये परिभाषा नहीं है। तो भाई ये परिभाषा है किसकी, बर्ट की नहीं है, स्टोडर्ट की नहीं है और वुडवर्थ की भी नहीं है। तो अगर ये परिभाषाएं इन लोगों की नहीं है तो अब इसको भी हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला तो ये कि जब इनकी नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और दूसरा, जब इनकी नहीं है तो फिर ये है किसकी, ये परिभाषा किसकी है, इसका उत्तर भी तो हमें आना चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए ना कि ये परिभाषा किसने दी है। तो किसने दी है इस परिभाषा को, बुद्धि वह शक्ति है जिसके सहारे सूझ आ जाती है। किसने दी है आप याद कीजिए, वापस से रिकॉल कीजिए, जैसे आपने ये सारे डेफिनेशंस रिकॉल किए आप रिकॉल कीजिए कि ये परिभाषा किसने दी है। ये परिभाषा दी है कोल्हर ने। किसने दी है, कोल्हर के द्वारा जो है ये दी गई परिभाषा है। तो जैसा कि क्वेश्चन मैंने लिखा था और लिखते समय ही मैंने बोला था कि ये प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा विशेष रहेगा। विशेष किस सेंस में रहा कि इसके ये जो ऑप्शंस है जो मनोवैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए हैं, इन लिखे हुए मनोवैज्ञानिकों में से कोई जना भी इस डेफिनेशन के साथ मैच नहीं किया। कई बार इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं कि जो थिंकर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जो थ्योरी प्रतिपादक होते हैं, इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स वाले जो आते हैं, डेफिनेशन वाले जो प्रश्न आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऑप्शंस में उनके नाम नहीं होते हैं। तो नहीं होते हैं तो नहीं है तो भाई ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे और करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ये थोड़ा सा स्पेशल तरीके का प्रश्न था, बट होप आप लोग कभी भी इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस ही करनी है और प्रैक्टिस हमें हर लेवल पे करनी चाहिए। चलिए हम पांचवें नंबर के प्रश्न पे आते हैं। पांचवें नंबर का प्रश्न है हमारा, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि क्या है। चलो, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि है, ए ऑप्शन, कार्य को अकलमंदी से करना, बी ऑप्शन, कार्य को समझदारी से करना, सी ऑप्शन, कार्य को विवेक से करना, और डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, मैंने क्यों स्माइल दी, मैं क्यों मुस्कुराई, इस प्रश्न को लिखते साथ ही जो है मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। जो लोग इस प्रश्न को समझ रहे होंगे वो इस प्रश्न को देखते ही या कंप्लीट होते ही उनके भी चेहरे पे स्माइल आ गई होगी। ये जो प्रश्न है मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जो है इसके पहले वाले प्रश्न में ही मैंने दे दिया था। जब हम वुडवर्थ की डेफिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने ये तीनों चीजें यहाँ पे जो है वो मेंशन कर दी थी। उसके अनुसार बुद्धि क्या है, अकलमंदी से कार्य, समझदारी से कार्य और
विवेक के साथ कार्य। तो वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि क्या है? कार्य को अकलमंदी से करना करेक्ट, कार्य को समझदारी से करना बिल्कुल करेक्ट, कार्य को विवेक से करना अगेन करेक्ट, और अगर ये तीनों सही हो रहे हैं तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन आ रहा है ये क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, इस वजह से मैं मुस्कुराई थी। कई बार ऐसे होता है प्रश्नों के अंदर हमारे किसी और प्रश्न के अंदर ही हमारे किसी और प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ होता है, तो कई बार ऐसे को रिलेट करने वाले क्वेश्चंस मैंने कई परीक्षाओं में देखे हैं। एक ही ऑप्शन अगर आप किसी पर क्लिक कर रहे हैं उस प्रश्न से रिलेटेड एक दो प्रश्न और कई परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो अगर एक का कॉन्सेप्ट हमें सही से पता है, अगर ठीक तरीके से, अब जैसे मैंने ये देखा वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि है, अगर हमें इसका आंसर पता था कि ये सारे जो है वो क्या है, बुद्धि के भाग है वुडवर्थ के अनुसार, तो हम तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो क्लियर हो गया ना कि सी ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि वुडवर्थ के अनुसार जो है वो बुद्धि में अकलमंदी, समझदारी और विवेक तीनों का प्रयोग किया गया है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो एटलीस्ट हम जो वो बोलते हैं ना कि एक ऑप्शन, चलो चार में से एक के लिए तो हम श्योर हो गए, अब तीन में से हमें लड़ाई लड़नी है, तो तीन में से एक हमारे पास, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी एक साइड में हम रख दें, क्योंकि कोई नहीं वाला साइड में गया, अब दो में ही हमें लड़ाइयां अपनी लड़नी है, तो दो के डेफिनेशन और हम रिकॉल करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इसके साथ साथ ये इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये था हमारा पांचवें नंबर का क्वेश्चन।